बिना बताए पार्टी में आया, मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे हाथ लगाया। कौन है रे तू? जिसके मारने से शरीर की हड्डी चूर चूर हो जाए, वही हूं मैं, अजय सिंह। तो क्या मुझे मारेगा? मारेगा? मार, मार तेरी तो। ये सब लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। मुझे वैसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। मुझे जिंदा दिल मर्द चाहिए। तुम दोनों में से कौन मर्द है, इसका फैसला अभी हो जाएगा। ये मेरा दुपट्टा है, इसे मैं फेंकूंगी। तुम दोनों में से जो बाइक से लेकर आएगा वही जिंदा दिल मर्द होगा और मैं उसी से प्यार करूंगी। हाँ, डन। दैट्स गुड। गाड़ी लेकर आओ। प्रणाम। हे जोखन। हाँ बाबा। अजय यहाँ आया था क्या? नहीं बाबा। नहीं, कल रात से ही गायब है। कहाँ चला गया है पता नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहता है। बाबा, अरे बाबा, आप कहाँ अकेले निकल आए हैं? ये अजय, तुम अपने अंधे बाबा को ऐसे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे बेटा? अरे बाबा, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं आपको छोड़कर यमराज के पास तो जा सकता हूँ, और कहीं नहीं जा सकता बाबा। मुझे आधे दिन आप नहीं पाएंगे तो ढूंढने लगेंगे शिकारी की तरह। अब मैं बच्चा नहीं हूँ। पता है, बड़े हो गए हो। इस तरह बेटा घूमने से काम नहीं चलेगा, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? बाबा, अब काम धंधा तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन कलेक्टर की सीट खाली ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? अरे बदमाश, अपने बाबा से मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा था बाबा। टेंशन ना लें, आधे घंटे में आ रहा है, सारे काम हो जाएंगे। आधे घंटे में आ रहा है। 6 बजे से मुझे बिठा कर रखा है, वो अभी तक नहीं आया। ये लीजिए, आ गया। प्रणाम यादव जी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ हाँ, प्रणाम बाद में। अरे ये क्या इतना लेट? लेट क्या बात कर रहे हैं, 7 बजे बोला था और पक्का 7 बज रहे हैं। अरे यार टाइम तो देखो। आपकी घड़ी फास्ट है। मेरी घड़ी फास्ट नहीं है, तुम्हारी घड़ी स्लो है। अच्छा ठीक है, आता हूँ। अरे कहाँ चल दिए? 1 साल की गारंटी दी थी उसने, और ये 1 सप्ताह में स्लो चलने लगी। उसको मार के आता हूँ। उसे जाके बाद में मारना, पहले मैं जिसे कहता हूँ उसे जाके मारो। कौन है? शंकर भाई, इनके ही घर में किराए पे रहता है। अच्छा, ये घर खाली करने के लिए कहते हैं, शंकर इन्हें जाने के लिए कहता है। उसको खत्म कर दूं या सिर्फ हाथ पैर तोड़ दूं? खाली हाथ पांव तोड़ना बस। मुझे माल कितना मिलेगा? माल मिलेगा ये 1000 रुपया। ठीक है, वैसे शंकर मिलेगा कहाँ? इन्हीं के घर पे। भाई साहब, आप लोगों में शंकर कौन है? मैं हूँ शंकर। प्रणाम भैया। प्रणाम, क्या बात है? बात यह है कि यह घर जल्दी से खाली कर दीजिए।
घर नहीं खाली करूंगा तो क्या कर लेगा? अब प्रेम से खाली नहीं करोगे तो हाथ पैर तोड़कर खाली करवाना पड़ेगा। इतनी ताकत है तो खाली करवा के दिखा। हाँ तो देख। तो इतना सुंदर है और बोली गोली से भी तेज। ए, दांत तोड़ दूंगी। ऊंची आवाज में अगर बात करोगी ना तो जुबान काट लूंगा। ए, वहां देख। देख लूंगा। दुनिया के सारे गुंडे लपंगे लोग यहीं पड़े हैं। अरे अजय क्या बात है? कौन से हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है भाई? किस लिए? फोन करो और एक एम्बुलेंस बुलवाओ। कोई सीरियस मैटर है? किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। क्या मेरे लिए? हाँ। मैं तो ठीक हूँ भाई। अभी ना ठीक हो, थोड़ी देर में तुम्हारी हड्डी पसली टूटने वाली है। क्या बात कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शंकर का हाथ पैर तोड़ दिया है मैंने। वेरी गुड भाई, ये तो अच्छी बात है। अब उसके आदमी मेरा हाथ पैर तोड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। चकमा दे क्या गया है? क्या चकमा देकर नहीं, उन लोगों को पीछे पीछे लेकर आ गया हूँ। लेकिन क्यों? उन लोगों को दिखाने के लिए कि तुमने ही शंकर को मारने के लिए मुझे भेजा था। क्या? ये तो नाइंसाफी है यार। यादव जी 10,000 रुपए दलाली लेंगे और मुझे देंगे 1,000, ये कहाँ का इंसाफ है? देख देख, अपनी यारी बने रहेगी तो बहुत पैसे कमाएंगे हम। पहले जान बचा, पैसा क्या चीज है भाई? एक आदमी को मारने के लिए पैसे दोगे और हम 4 आदमी को मारेंगे, हमसे नहीं होगा। अरे पैसे देता हूँ भाई, पहले जान तो बचा दो। ये ले। जान बचाना भाई। ये हुई ना बात, अब देखो मेरा कमाल। आओ बच्चे लोग आओ। Hey!
बाबूजी, आज कॉलेज में मेरा पहला दिन है। मैं इस शहर से अनजान हूँ और यहाँ के लोगों से भी। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस शहर के रूप में अपने आप को ढाल सकूं। अरे माँ, खुश रहो, ये लो। ओह, ये क्या है? खाना। खाना? हाँ, इसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, चटनी, पापड़, सब कुछ है। बस पुलाव और सेवई। सेवई नहीं है? वो क्या है ना बेटी, ये छोटा है। कल बाजार जाऊंगी ना तो बड़ा टिफिन लेकर आऊंगी। वो माँ, तुम भी ना। क्या हुआ? इतना खाऊंगी तो पढ़ाऊंगी क्या? इसे रहने दो, कैंटीन में खा लूंगी। देखो ना, पढ़ाई कर करके तुम कितनी कमजोर हो गई। कैंटीन में खाने से सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ। आरती। हाँ माँ। कॉलेज से सीधे घर ही आना। हाँ ठीक है माँ। आरती, अब क्या है माँ? रोड पर देखकर चलना। हाँ ठीक है। आरती, अब क्या बात हुई? बस में देखकर चढ़ना उतरना। ओह माँ, मैं बच्चों की क्लास की स्टूडेंट नहीं हूँ, उनकी लेक्चरर हूँ। माँ, अब जाऊँ? जाओ बेटा, जाओ। चार लोगों का हाथ पांव तोड़ के 4,000 रुपया कमाए, दोस्तों को पार्टी नहीं दोगे क्या? हा? अबे चाय पिला रहा हूँ ना। क्या? बस चाय और कुछ नहीं। ए, इसे पाव किलो शक्कर दे दो। ये ओ, हेलो, ये चाय और शक्कर से काम नहीं चलेगा। हमें तो पार्टी चाहिए। पार्टी है? पार्टी चाहिए? और पार्टी के बाद बिल क्या इसका बाप देगा? ए, तुम इतना बदल जाओगे मुझे मालूम नहीं था। मेरे बदलने का कारण फेयर एंड लवली है। ओहो, इसीलिए ही चेहरा उतरा हुआ है भाई। रात भर नींद नहीं आई है यार। रात भर मच्छर के साथ थे क्या? अरे नहीं यार, मेरे दिल की दीवार पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर छप गई है भाई। समंदर में डूबने वाला आदमी तो निकल सकता है, लेकिन प्यार में डूबने वाला सीधे अंदर। वो क्या है ना, जैसे सिम कार्ड के बिना मोबाइल फोन, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है ना, वैसे ही लड़की के बिना लड़का नहीं चल सकता। सुंदर है क्या? सुंदर एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ। इतनी सुंदर है क्या? हा? और क्या? अच्छा? पीछे जो आ रही है ऐसी है क्या? आ? कॉलोनी में नई आई है, नाम है आरती। ओहो, ऐ विविध भारती। गुंडा बदमाश फिर मिल गया। क्या बुदबुदा रही हो तुम? क्यों बुलाया है? कल तो बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। तुम धक्का मारोगी तो मैं क्या तुम्हारी पूजा करूंगी? ए, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? छटाक। हाँ भैया। जरा बताओ तो इन्हें मैं कौन हूँ। मेरा नाम छटाक, ये है संजय, वो है राजू, ये अजय। अपना नाम बताने के लिए नहीं बोला है, मैं कौन हूँ ये बता। अच्छा अच्छा, वो भैया कौन है मालूम? कॉलोनी का ही नहीं, पूरे एरिया का गुंडा है। अब समझ में आया मैं कौन हूँ। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त। ए, एक चाय दो इनको। मैं चाय नहीं पीती हूँ। क्यों? ये बेकार चाय मैं नहीं पीऊंगी। ये बेकार चाय है। ए आरती। हाँ? क्या हमारी चाय बेकार है? ये चाय पी के अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। पी के बताओ कैसी है, नहीं तो हमारी दुकान गायब हो जाएगी। कैसी है? बढ़िया है। हाँ तो एक और दे। नहीं नहीं बस। अरे कहाँ जा रही हो? कॉलेज पढ़ने। वेरी गुड। अच्छा बाय। हेलो, अब पैसे कौन देगा? ये लो। अरे 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 अरे, कितने चाय का दी हो? एक। और हमारी चाय का कौन देगा? हाँ, तुम सब लोगों का बिल मैं क्यों दूँ? इतना टाइम हम लोगों का बर्बाद की हो इसके लिए। ये लो। क्या ब्रदर, लड़की को डरा दिया। तुम नहीं समझोगे यार। अच्छा, से ब्रेक मारूंगा, खचाक से काबू में आएगी।
अरे इसका फिगर फिजिक तो जबरदस्त है यार, एकदम जलपरी की तरह है भाई। नहीं नहीं नहीं, एकदम खूबसूरत सुराही की तरह है। अरे ये मेरी आंख एक्सरे मशीन है, मुझे सब क्लियर नजर आता है। तेरी एक्सरे है ना, तो हमारी ट्रिपल एक्सरे है, हम जो बोलते हैं वही होता है। तो ठीक है, 1000 की शर्त लगी। डन। ठीक है ठीक है, तुम दोनों में कौन करेक्ट है ये लड़की से पूछ लेते हैं। ए, न्यू एंट्री। ये दोनों तुम्हारे शरीर की परिभाषा बता रहे हैं। ये कहता है तुम जलपरी की तरह हो, और ये कहता है कि तुम खूबसूरत सुराही की तरह हो। इन दोनों में कौन करेक्ट है बताओ। ये दोनों ही गलत हैं। मेरा साइज तो 7 है। क्या रे, तुमको नया लड़की समझ के हमने रैगिंग किया तो इतना उछलने लगी। मैं स्टूडेंट नहीं, लेक्चरर हूँ। ये बात सुन के हम लोग भाग जाएंगे, ऐसा समझ रही हो क्या? स्टूडेंट समझ के हम लोग रैगिंग किए, पर तुम तो लेक्चरर निकली। अब रैगिंग में और मजा आएगा। उतार कपड़े, कपड़े उतार, कपड़े। छी छी, ये शहर और इस शहर के लोग सभी बेकार हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ तो हर आदमी गुंडा और हर गली में लुच्चे लफंगे भरे पड़े हैं। जाते समय तो सरस्वती देवी बनकर गई थी, और आते समय ये फूलन देवी कैसे बन गई? सुबह सुबह जा रही थी, रास्ते में लफंगे मिल गए। इस कॉलेज के स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं, गुंडे मवाली हैं। लड़की देखी नहीं कि छेड़छाड़ शुरू। लेकिन तुमने प्रिंसिपल से बात नहीं की कि वो एक्शन ले। हम बोली थी, पता है उन्होंने क्या कहा? क्या बोले? मैं 10 साल से इस कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। स्टूडेंट्स को सुधारने में हम बिगड़ गए हैं, पर किसी स्टूडेंट में बदलाव नहीं हुआ। सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन एक भी स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज नहीं आया। आपको सीधे तरीके से काम करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। ऐसा कहा उन्होंने? नहीं नहीं आई हो, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लो, लो पानी पी लो। नहीं, गरम गरम कॉफी ले आऊं? कुछ भी नहीं, ठंडा ठंडा शरबत ले आऊं? माँ, तुम भी मुझे परेशान करने लगी। रास्ता पर एक ही चेहरा देख देख के बोर हो गए हैं यार। अरे भाई, नई लड़की आ रही है, देख। आए हाय, क्या लगती है यार। इसका जिससे विवाह होगा उसका रोज ही सुहागरात होगा। ताजमहल इस शहर में नहीं है, क्यों पता है? क्यों? इस शहर में ये जन्नत की हूर है। इसको देख के कुछ कुछ होने लगा है रे। ओ भी यार। हाय हाय। क्या भाई, लड़की अच्छी है ना? हाँ यार, देख के जोश आ रहा है ना। हाँ यार। क्यों नहीं, जोश तो आएगा ही। लेकिन मुझे तो यार तुम लोगों को ही देखकर जोश आ रहा है। कुत्ते लोग, पूरे हिंदुस्तान में मेरी ही दोस्त मिली है तुम्हें छेड़ने के लिए। क्या पिटाई किया यार, इसे कहते हैं कुत्ते की दुलाई। Thank you.
अरे बोल ना, सेंटर ढक के रखे। रास्कल, सबसे बड़ा बदमाश तो ये बैठा है। हे भगवान, कॉलेज का समय हो गया है और बस नहीं आई। कहाँ जा रहा है? भगवान को मनाने से बस नहीं आएगी, आज बस की हड़ताल है। आइए मैं छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बैठो ना, नाटक कर रही हो। ए, बैठो बैठो। तुम लोग जाओ। मैं जानती हूँ, तुमने चिपकने के लिए ब्रेक मारा है। You are looking fantastic. माँ, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? शाम को वैशाली एक्सप्रेस से पटना की तो टिकट बुक करवाने हैं। वैशाली एक्सप्रेस पटना नहीं, मुजफ्फरपुर जाती है। वो नहीं तो मालगाड़ी, मालगाड़ी नहीं तो बैलगाड़ी, पर ये शहर छोड़कर जल्दी जाना है। भूकंप आने वाला है क्या? लेकिन टीवी में तो नहीं बताया। भूकंप आया तो उसे तो मैं संभाल लूंगी, पर इस शहर के लफंगे लोग, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल बात है। किसी लड़के ने परेशान किया क्या? बस की स्ट्राइक थी तो एक लड़के ने मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी। ये लो, एक तो उसने तुम्हें लिफ्ट दी और फिर भी तुम दूसरे शहर क्यों जाना चाहती हो टिकट कटा कर? कॉलेज पहुँचने के बाद मैंने उसे थैंक्स कहना चाहा। जानती हो उसने क्या कहा? क्या कहा? तुम्हारा बैग कमाल का है। बड़े लोगों का आशीर्वाद और बच्चों का मजाक ना रहे तो ये जिंदगी जिंदगी नहीं रहेगी बेटा। बस में बहुत परेशानी होती है ना, बहुत भीड़ होती है। तुम एक काम करो, ये लो, तुम इसे बेचकर एक स्कूटी खरीद लो। नहीं माँ। हाँ बेटा। मुझे नहीं दिखाई देता कि तुझे नहीं दिखाई देता। ए, गाड़ी चलानी नहीं आती ना, तो जाके सीख ले। ए, क्या बोल रही है रे? ए, ए, ये बीच रोड में क्या हो रहा है रे? झगड़ा? देखिए ना सर, इसने रॉन्ग साइड से आके धक्का मार दिया। रॉन्ग साइड पे चलते हो और लड़की को धक्का मारते हो? चलो फाइन भरो, चलो। ए, मालूम है हम तिवारी बाबा के आदमी है। अरे बाप रे, सलाम साहब। साहब, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, ये लड़की ही गलत रास्ते पर आ गई है। हाँ, हम इसे देख लेंगे, आप जाइए साहब, जाइए जाइए। हाँ ठीक है ठीक है, जाइए। ये क्या साहब, इन लोगों को छोड़ क्यों दिया? देखिए मैडम, वो तिवारी बाबा के आदमी हैं। वो जिस रोड पे भी चलते हैं ना मैडम, वो रोड उनकी हो जाती है। वो रॉन्ग चले, गलत चले, सही चले, उनसे कोई मतलब नहीं है। एक बात आप बताइए, आप रॉन्ग रूट पे कैसे चली आई? मैं कहाँ रॉन्ग रूट पर आई हूँ। मैडम, मैं आपको अभी बताता हूँ रॉन्ग क्या होता है, राइट क्या होता है। आप पहले अपना लाइसेंस दिखाइए। उस रॉन्ग रूट वाले को छोड़कर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? अरे मैडम, ना रॉन्ग ना राइट, पहले लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस? लाइसेंस लाइसेंस नहीं है तो फाइन भरो, चलो। फाइन? फाइन क्यों? तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, सोच लो। मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। कोर्ट नहीं जाओगी तो फाइन भरो, चलो। 100 रुपया दो, चलो। ये लो, चलो। हे भगवान,
ऐसा सुनामी भेजो कि शहर के सारे गुंडे मर जाएं। ए ए मेरी गाड़ी कहाँ ले जा रहा है? ए रुक, ए मेरी गाड़ी। Excuse me. जरा लिफ्ट दे दीजिए। नो 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 नो। बैठा लीजिए ना। नो। अरे ये क्या? उतरो। उसके पीछे चलो। चलो नहीं तो भाग जाएगा। तुम्हारा हुक्का मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? हाँ? अरे जरा तेज चलाओ ना। चलाओ नहीं तो भाग जाएगा। चलाओ। तुमसे कहा ना? उतर जाओ। उतरो। चुपचाप चलती रहो नहीं तो यही मार डालूंगा। चलो। अरे जरा और तेज चलाओ ना। अरे पीछा करो। और तेज चलाओ, उसका पीछा करने के लिए बोल रहा हूँ। चलो। अरे रुको 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 रुको। अरे 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 भाई, आप लोग मुझे समझते क्या है? हाँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर बैठूंगी मुझे खुद नहीं पता। अब अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि वो आपका बेटा है। क्या हुआ बेटी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा मन तो करता है कि उसकी गर्दन काट दूं। क्या? अरे किसका? कुछ कहोगी कि बोलती ही रहोगी? बाबा आपका बेटा राक्षस है, बहुत बड़ा 420 है, लफंगा बदमाश है। उसने क्या किया बेटी? क्या किया? क्या किया? परसों टक्कर मारी, कल परेशान किया, गले पर चाकू रखकर गाड़ी पर बैठ गया, मेरी गाड़ी को गटर में डाल दिया। मेरा अजय ऐसा लड़का नहीं है। आँखें होती तब तो पता चलता कि वो कैसा लड़का है। आरती अंदर चलो, सब लोग देख रहे हैं। सब सुने इसीलिए तो चिल्ला रही हूँ। 10,000 में नई सेकंड हैंड स्कूटी ली थी। स्कूटी आ गई है। मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं ना? चुप। पेट्रोल पंप पर गाड़ी छोड़कर चली आई थी। वो पेट्रोल पंप तुम्हारे दादा का है? 50 रुपए का तेल भराया, चलो निकालो। बेकार में तुमने इसे इतना भला बुरा कह दिया। बेटा मैं दे दूंगी 50 रुपए। चलो तुम घर चलो। तुम नहीं जानती माँ ये कैसा लड़का है। गली में ये परेशान करता है, कॉलेज में स्टूडेंट परेशान करते हैं, और पुलिस वाला लाइसेंस पूछकर परेशान करता है। ये शहर कबाड़ खाना है, कबाड़ खाना। माँ मैं क्या करूँ? चलो। ये कैंडिडेट ड्राइविंग में फेल है, हम इसे ऑटोग्राफ नहीं दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी लड़की है सर। अच्छी लड़की है तो ड्राइविंग सिखाओ भाई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने सुना है सर। यस सर। ये मिश्रा बड़ा स्ट्रिक्ट है सर, इसे भी पता चले सर। प्लीज सर। 10th क्लास में फेल होने पर सर्टिफिकेट मिल सकता है सर, ड्राइविंग में फेल होने पर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता सर। एक बार और सोच के बोलिए सर। एक सेकंड में बाहर जाइए सर। नहीं जाएंगे तो क्या होगा सर? वॉचमैन वो आके तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा सर। क्या बात है सर, इन लोगों को बाहर निकालो सर। ठीक है सर। प्लीज सर सुनिए सर, प्लीज चलो चलो बाहर, चलो चलो प्लीज सर। अरे तू ये क्या कर रहा है? चल 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 बाहर निकल, निकल बाहर। हेलो। क्या रे मिश्रा लतखोर, माल भेजने के लिए बोला था क्यों नहीं आया रे? अगर आज टाइम पर माल नहीं आया ना तो तेरी तो दलाली साले आज बुलवा लूंगा मैं। आपको कौन से मिश्रा चाहिए? दाल मंडी का दलाल चाहिए मुझे। मैं आरटीओ ऑफिसर मिश्रा बोल रहा हूँ। हेलो।
क्या रे मिश्रा, चमेली के इंतजार में ग्राहक यहाँ एक घंटे से बैठा हुआ है। तू जल्दी से उसे लेके यहाँ आ जा। तू दलाल कैसे बन गया रे? अरे कौन मिश्रा चाहिए आपको? दलाल मिश्रा चाहिए? मैं आरटीओ ऑफिसर मिश्रा बोल रहा हूँ, फोन रख। हेलो। क्या रे मिश्रा, तुम मेरे दोस्त हो, फिर तुम्हारी बीवी आखिर मुझसे क्यों पैसे मांगती है? ये क्या है रे, दोस्ती में दगा तू? कौन है रे गधा, कहाँ से बात कर रहा है? अबे सुन, होटल पैराशूट से बोल रहा हूँ। यहाँ से भी बोल रहे हो, फोन रख गधे। हेलो, कहाँ हो, घर पर ही हो ना तुम? नहीं, किसी के साथ होटल में हूँ। घर में फोन करके तुम ये पूछ रहे हो कि घर में हूँ? शक कर रहे हो क्या? तुम घर पर तो आ, तब तुम्हें बताती हूँ। आओ एक बार घर तो आओ, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूँगे। मुझ पर शक करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आओ घर पर, आओ जल्दी आओ। एक्सक्यूज मी सर। दस्तखत सर। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छे आरटीओ ऑफिसर हैं सर। मैं आरटीओ ऑफिसर नहीं हूँ, मैं बड़ा दलाल हूँ। सर, मैडम के ठंडा होने के बाद ही आप घर जाना सर। ए, रुको 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 रुको, साइड में करो, साइड में। हाँ, साइड में करो, साइड में। रुको, चलो रुको रुको। बाप रे, मर गई। चलो इधर आओ, इधर आओ। आज फिर फाइन भरना पड़ेगा। लाइसेंस निकालो। हम लोग कौन है पता है? तिवारी बाबा के आदमी है। नमस्कार, आप जाइए, आप जाइए। तिवारी बाबा, तिवारी बाबा के नाम से सभी डरते हैं। चलो आगे बढ़ाओ, चलो। ए, साइड में गाड़ी लो। लाइसेंस दिखाओ। सर, तिवारी बाबा। नमस्ते मैडम, आप भी उनको जानती हैं? चलिए 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 चलिए। ए, रुको रुको, गाड़ी रुको। तिवारी बाबा कमाल का नाम है, ये नाम बताने से फाइन के पैसे बच गए। पता नहीं कौन है ये। एनीवे, थैंक यू तिवारी बाबा। आरती तुम्हें बहुत तंग करती है क्या? नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है चाची। वो बचपन से ही ऐसी है, उसे लगता है वो जो करती है वही सही है, इसीलिए उसे कोई समझ नहीं पाता, वो सबसे झगड़ा कर लेती है। चाची, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, अभी यहाँ के माहौल में वो अपने आप को ढाल नहीं पा रही है। ऐसा मत कहो बेटा, वो हंसती है तो होठों को भी पता नहीं चलता, और जब रोती है तो आंखों को भी मालूम नहीं चलता। चाची, उसकी यही अदा तो मुझे भी अच्छी लगती है। हाय। तुम यहाँ कैसे? चाची, आपके हाथ में तो जादू है, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहले कभी खाया नहीं था। ये क्या माँ, तुम इसे घर में बिठाकर रोटियां खिला रही हो? बाहर खिलाना अच्छा नहीं लगता ना। माँ, तुम जानती नहीं हो, ये इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। मालूम है मुझे, बहुत अच्छा लड़का है ये। माँ, तुम जानबूझकर ये क्या कर रही हो? रोटी बना रही हूँ। देखो माँ, तुम मुझे टेंशन मत दो, और मेरे बीपी मत बढ़ाओ। बीपी बढ़ रहा है ना, तो डिब्बे में से गोली निकाल कर खा लो। ओ माँ। अच्छा चाची, चलता हूँ मैं। एक दो रोटी और खा लो बेटा। नहीं चाची, बस पेट भर गया। बेटा, आते जाते रहना अपना घर समझ कर। ठीक है चाची। नो डाउट, जरूर इसने कोई जादू कर दिया है। प्यार पाने के लिए जादू की जरूरत नहीं होती, एक ही ऐसा काम करो जो इस दिल को अच्छा लगे, वही बहुत है। अच्छा काम कर रही हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, तुझे कहना चाहिए। क्यों, मैंने क्या किया? लो, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उसने ड्राइविंग लाइसेंस ला कर दिया है, इसीलिए। मैं आपके पेट भरता हूँ, मेरा सामान मत फेंकिए, मैं रहूंगा कहाँ, मैं
दादागिरी दिखा रहे हो? हाँ, दादागिरी दिखा रहा हूँ। इतने आदमी खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तू क्या कर लेगी? क्या करूंगी? हाँ, पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। पुलिस में कंप्लेन? बुला बुला पुलिस को, बुला पुलिस को, बुला पुलिस को। अब क्या करूं? मैं कौन हूँ पता है? जिसका नाम सुनकर गुंडे लोगों की पैंट गीली हो जाती है, उसकी लवर हूँ। तिवारी, तिवारी बाबा की लवर हूँ। तिवारी बाबा, तिवारी बाबा की लवर, तिवारी बाबा की लवर। बहन जी हम लोगों को माफ कर दो। बहन जी हम लोगों को माफ कर दो। ए इधर आओ रे। बहन जी माफ कर दो, माफ कर दीजिए, माफ कर दो। सारा सामान अंदर रखो। ए सामान उठा, सामान उठा। आपने आकर मुझे बचा लिया बहन। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। आपने हमें पहले ही क्यों नहीं बताया कि आप लेक्चरर हैं? आप लोग ज्यादा मान सम्मान देने लगेंगे यही सोचकर नहीं बताया। अच्छा, अब क्या लेंगी आप? कोल्ड ड्रिंक। ओके, 3 कोल्ड ड्रिंक। ठीक है मैडम, थैंक यू। चीयर्स। क्या शानदार माल है, इसके साथ तो मजा आ जाएगा। अरे क्या चीज है यार, क्या माल है मामू। क्या होट है मामू, माल है यार, कमर है पीड़ा, कमर का लचक तो देखो यार, मुझे लगी। तू कौन है रे? बता दूंगा तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा मुझे मारेगा? हाँ देख ले मेरा आदमी कितने हैं। तू मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? मार, मार मुझे। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो नीचे नहीं ऊपर पहुंचा दूंगा। ए! Stupid idiot rascal! अपने झगड़े में मुझे घसीटने की क्या जरूरत थी, बदतमीज। चुप! लो देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। क्या साहब दिखा रहा हूँ ना, जाने क्या दिखा रहे हो? दोनों का हेलमेट नहीं है। अरे हेलमेट नहीं है तो ये तो कोई बात नहीं हुई। चलो पहले फाइन भरो। समझने की कोशिश कीजिए सर। छोड़ दीजिए ना सर। ए रुको रुको रुको, चलो साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, चलो इस साइड में लगाओ, चलो साइड में लगाओ। नमस्ते मैडम। ए तुमको मालूम नहीं है मैडम कौन है? बेवकूफ नहीं, कौन है सर ये? क्या भैया जय मैडम।
गधा कहीं का। क्या हुआ? ओफो, टायर पंचर हो गया। अब घर कैसे जाएंगे? क्या हुआ मैडम? टायर पंचर हो गया। आप हमारी गाड़ी से चले जाइए, गाड़ी बनवा के हम लाते हैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए। नो प्रॉब्लम मैडम। ए, गाड़ी लाओ। बात क्या है? पुलिस वाले तुम्हें देखकर डर क्यों जाते हैं? मैंने कहा था ना, इस शहर में मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, मैं मैडम सी मीम साहब बन गई हूँ। ए, रोक रोक, आइए मैडम आइए। हाँ। एक्सक्यूज मी मैडम। यस। हम 5 साल से ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे हैं, तिवारी बाबा से बोल दीजिए, हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू मैडम। जाओ। ये क्या चक्कर है? ये तिवारी बाबा कौन है? वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। पर तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल के बोलने से इनका प्रमोशन कैसे हो जाएगा? माँ, इस शहर में सब ऐसे ही चलता है, अगर मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल बोल देना तो सभी काम हो जाते हैं। क्या सर, उस लड़की से डर क्यों गए आप? वो कौन है पता है तुमको? वो तिवारी बाबा की लवर है। हाँ, तिवारी बाबा की लवर। नमस्ते मैडम। अब छोड़ो ना यार, इसको समझाना बेकार है। हाय। हाय। ए टोपी, एक चाय दो। जी। तुम लोग चाय पियोगे क्या? नहीं। ए रेड शर्ट, हाफ पैंट, तुम लोग चाय पियो ना। ना ना, कोई बात नहीं है, पियो। ए टोपी, 5, 5, 5। ठीक है। क्या देख रहे हो? बहुत जल्द फुलझड़ी से पटाका हो गई है। मेरा तो ओरिजिनल कैरेक्टर यही है। अगर तुम लोगों ने मुझे सताया और ये बात मेरे लवर को पता चल गई ना, तो वो तुम लोगों को जलाकर राख कर देगा, समझ गए? कौन है रे वो? अगर उसका नाम बता दिया ना तो ऐसे भागोगे तुम लोग जैसे कुत्ते को देखकर चोर भागता है। कुत्ते से प्यार करती है? अरे इससे अच्छा तो पिल्ले से प्यार की होती तुम। हंस लो। लगता है हाई पावर का झटका देना ही पड़ेगा। उसका नाम है तिवारी बाबा। क्यों, होश उड़ गए ना? अच्छा तो जब इतना बड़ा मर्द है वो, तो उससे मिलना पड़ेगा, बुलाओ उसे। तुम लोगों का टाइम अच्छा है क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है। मेरे पास है, नंबर लगाओ, बुलाओ उसे। रहने दो, अब तुम तो मेरी ही कॉलोनी के आदमी हो, माफ कर दिया। चुप। एक थप्पड़ मारूंगा ना तो नाक का नथ कान में घुस जाएगा, मुझे माफ करेगी। आज के बाद अगर ऐसी बात की ना तो इस कॉलोनी में नजर नहीं आओगी। चल भाई यहाँ से। तिवारी बाबा के नाम से डरते हैं, ये क्यों नहीं डरता? इस एक्सीडेंट से तुम्हारी माँ को कोई खतरा नहीं, लेकिन ऐसे बकबक करने से तुम्हारी माँ की जान जा सकती है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, अगर इसे कुछ हो गया तो। शट अप, तुम्हारी माँ को कोई खतरा नहीं, अब तुम इन्हें ले जा सकती हो। चलो माँ, चलो। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम।
धन्यवाद बेटा। ऐसी हालत में भी इसे थैंक्स बोलना जरूरी है क्या? पलट। ऐसे क्यों चल रही हो? डॉक्टर का कहना है कि ऐसे चलने से शरीर का बैलेंस बराबर रहता है। अगर MBBS पढ़ने से मना नहीं करती ना तो डॉक्टर बनती और तुम्हारा इलाज करती। मालूम है पता चलता कि तुम मेरी गर्दन कान मुंह सब जगह पट्टी बांध देती, मेरी सांस फूलती और मैं क्या माँ ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, इसलिए मैंने उपवास रखा है माँ। आज अगर वहाँ अजय ना होता तो आज मैं मुर्दा घर में होती। उसका ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। उसने थोड़ी मदद क्या कर दी तो वो अच्छा इंसान हो गया? तुम्हारी किताबों की पढ़ाई लिखाई मैं नहीं जानती, मगर इन आँखों को इतनी परख जरूर है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अंधेरे घर में दिया जलाकर रोशनी तो हो सकती है पर सुबह नहीं होती। सुबह की किरण देखने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर से बाहर निकलोगी तब पता चलेगा कि अजय क्या है। इनका बीपी बहुत हाई है और कमजोरी भी है। जब तक बीपी को कंट्रोल नहीं करेंगे ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इसके लिए बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ कोई! क्या हुआ? बचा लो, बचा लो मुझे, बचा लो। हट, ए, छोड़ दो, हाँ, छोड़, छोड़ दो। क्यों परेशान कर रहे हो इस लड़की को? हट, चल, चलो, बचा लो मुझे। ए छोरी, सुन, ज्यादा तेज बनने की कोशिश करोगे तुम तो यही काट दूंगा अभी, समझी? चल। ये तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है जो इसे खींच रहे हो। अच्छा, आज तुझे ही लेकर चलता हूँ। मैं कौन हूँ पता चलेगा ना तो पैंट गीली हो जाएगी। अच्छा, दरिया के पानी से? ठीक है भाई, तो तू ही बता दे धन्नो रानी कौन है तू? तिवारी बाबा की लवर हूँ। तिवारी बाबा की लवर? हाँ। ए ढोलक, एक फोन तिवारी बाबा को करूंगी ना तो यहाँ आकर तुम्हारा ऐसा तबला बजाएगा कि गाते हुए नहीं रोते रोते मर जाओगे। चलाट फुटबॉल की औलाद, चलो बैठो। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभाख्याभ्यंतरसुचिः। ओम पितरे स्वाहा, ओम स्वाहा मरुद्विहि परिश्रीयस्वादिवः सग्गुस्पृशस्वाहि मधु मधु मधु। ओम त्रे त्रिपंद पितरः, ओम स्वस्ते सुया विनाशाग्य पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं त्वां च स्वस्ते भ्रुवन्तु नः। सर्वतो भद्राः क्रतवो जन्तु पितरो त्रिपंद पितरः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व। जब मैं ट्रेनिंग में था तब सोचता था कि समाज से गुंडों को चुन चुन कर मार के इनका सफाया करूंगा। हमारी सिंसियरिटी और साहस को
इनकी गुंडागिरी की अलमारी में रख के इन्हीं गुंडों की हम लोग नौकरी कर रहे हैं सर, इसीलिए मेरा सर शर्म से झुका जा रहा है सर। ये गलती हमारी नहीं है सर, हमें इसके पास पर काट के ही भेजा गया है, मगर ये गलती सरकार की है। सॉरी सर, जज्बात में आके मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। क्या सर, इसका पूरा परिवार एक ही साथ मरा था क्या? भैया, ये फोटो तिवारी की फैमिली के लोगों की नहीं है। जो बात नहीं मानता है उसको ये मार देते हैं। जोश में मत आओ, अगर उसने सुन लिया होगा तो तुम्हारी फोटो भी वहां लग जाएगी। इसके पास काम करने से मर जाना अच्छा है सर। ओम यमाय स्वाहा, ओम पितर स्वाहा, ओम स्वदाय स्वाहा, ओम अग्नय स्वाहा, ओम स्वदाय स्वाहा। आप जाइए, हम संभाल लेंगे, जाइए। वो लड़की कहाँ है रे? ला रहा था भैया, लेकिन बीच में आपकी लवर आ गई। मेरी लवर? है छोटू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बोल रहा है रे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो घूम घूम के पूरे शहर में बोल रही है कि आपकी लवर है। और तो और, हमें जो लोग हफ्ता देते हैं सबको मना कर दिया। उसने कहा कोई जरूरत नहीं है हफ्ता देने की, मैं बात कर लूंगी, मैं तिवारी बाबा की लवर हूँ। भैया भाभी बहुत सुंदर है सच में। ये प्यार कब शुरू हुआ बाबा? है चल, है वो है कौन भला? भैया भाभी कॉलेज में पढ़ाती है चूना चाट के। आइए बैठिए। भैया भैया भाभी टीवी पे। मेरा इंटरव्यू? फिर मेरा इंटरव्यू क्यों? मैं तो एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ। आप तिवारी बाबा से प्यार करती हैं, ये बात शहर के हर आदमी को पता है। क्या आप तिवारी बाबा से प्यार करती हैं? बोलिए बोलिए, आप बोलेंगी तो हमारे कॉलेज का नाम होगा। बोलिए ना। अगर मैं कह दूं कि मैं तिवारी बाबा से प्यार नहीं करती तो ये कॉलेज ही नहीं पूरा शहर मिलकर मुझे मारेगा, और अगर कह दिया तो पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाएगी। मैं जान से भी ज्यादा तिवारी बाबा से प्यार करती हूँ। जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकती, जैसे बिना उड़े चिड़िया नहीं रह सकती, वैसे ही तिवारी बाबा के बिना मैं नहीं रह सकती। तिवारी बाबा में ऐसा क्या देखा आपने? चांद से भी सुंदर मुखड़ा देखा, छोटे बच्चे से भी ज्यादा कोमल हंसी देखी, उनका कोमल दिल देखा, पूरे शहर में फैला उनका पावर देखा, जिसमें इतने सारे गुण हों उससे कौन लड़की प्यार नहीं करेगी? कोई भी लड़की ऐसे ही जमा को पसंद करेगी ना। थैंक यू मैडम। अबे हटना, अबे हटाना उसको। ए छोटू, अरे उसको हटने को बोलना, गधा कहीं का। भैया इंटरव्यू खत्म हो गया, भाभी गई, चली गई। अरे छोटू वो कितनी खूबसूरत है रे, वो मुझसे प्यार करती है रे, मुझसे, ये तिवारी बाबा से प्यार करती है। ए छोटू उससे एक बार मिलवा दे रे, वो रहती कहाँ है?
तिवारी बाबा आ गए, चलो जल्दी, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो तिवारी बाबा आ गए, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी। भाई भाई, लड़की का घर ये नहीं है, वो है, आइए आइए भाई। घर में कोई है भाई? कोई है? हैं? ए बुढ़िया, आरती का घर यही है? हाँ यही है, आप लोग कौन है? खोपड़ी खराब मत कर बुढ़िया, मेरा नाम है चुनौती। और भैया जी को नहीं जानती हो? भैया जी शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। आइए आइए बैठिए। आइए भैया बैठिए। आप आरती की कौन है? मैं आरती की माँ हूँ। क्या माँ? हाँ? आरती की माँ? हाँ? अरे आरती की माँ, प्रणाम माँ जी। रहे हैं? ऐसे नहीं उठेंगे भैया जी, आशीर्वाद देना पड़ेगा। दीजिए दीजिए। लेकिन क्या आशीर्वाद? ऐसे बोलिए, कल्याणम वस्तु भवा। कल्याणम वस्तु भवा। उठिए उठिए उठिए। धन्यवाद माता जी। अरे आपने तो फूल जैसी बेटी को जन्म दिया है। अगर आपको अमृत से भी नहलाया जाए तो भी आपका कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अरे माँ जी, वो फूल के जन्मदाता कहाँ है? उनको भी बुलाइए ना, उनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं लगे हाथों पैर पकड़ के। भाई वो बुलाने पे भी नहीं आएंगे। अरे अरे तो जाओ, जाके बुला के लेके आओ ना उनको। भाई क्यों नहीं समझते? वो क्या हमसे भी ज्यादा बड़े आदमी है जो नहीं आएंगे? जा बुला के ला। क्यों नहीं समझते हैं? उनसे मिलने के लिए हम लोगों को मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा? हाँ। अरे क्या ससुर जी, इतनी सुंदर लड़की पैदा की, मैं आपसे और सासू माँ से आशीर्वाद लेने इतनी दूर से आया, लेकिन ये मौका आपने मेरे हाथ से छीन लिया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर कौन है आप? अरे मैं आपका दामाद। हाँ, और मुझे आपकी बेटी से दिलो जान से प्यार है। आपको गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी को प्यारदार पसंद नहीं है। अरे सासू माँ ये क्या बोल रही हैं? आपकी बेटी को तो पहले से ही पसंद आ गया है। हाँ, ये हमारा सुंदर सा चेहरा। ये मेरी अमिताभ बच्चन जैसी हंसी, और ये मचलता हुआ मेरा प्यारा सा दिल, ये सब उसे बहुत पसंद है। अरे गुस्सा नहीं, मैंने हजारों लड़कियां देखी, मगर जो बात आपकी बेटी में है वो बात किसी में नहीं जानी। अरे शेर जैसे तिवारी का दिल उसने अपनी चुनरी में बांध लिया। हाँ कौन हो तुम लोग? और ये गाड़ी घर के सामने क्यों खड़ी रखी है? बाप की जगह है? हाँ चलो निकलो, गाड़ी निकालो। भैया अंदर है, बाहर आएंगे तो गाड़ी भी निकल जाएगी। भैया? हाँ। ये भैया कौन है और वो मेरे घर में क्या कर रहा है? अंदर तुम्हारी माँ से बात कर रहे हैं। हाँ? माँ माँ ए तुम लोग यहाँ? हाँ? मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? पता है मैं कौन हूँ? बता दो। तिवारी बाबा की लवाल। अगर एक फोन कर दिया ना तो वो आकर तुम लोगों का चेहरा बिगाड़ देगा, समझे? आपको अब तो विश्वास हो गया ना? देखो तुम तिवारी बाबा को जान से ज्यादा प्यार करती हो, ये कहने पे तुम्हारी माँ विश्वास ही नहीं कर रही है। करे चाहे ना करे, हो कौन तुम लोग? मेरा नाम है चुनौती और इनका नाम है तिवारी बाबा। Thank you.
मैं समझती थी कि कॉलेज में तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, इसलिए लोग हमारी इज्जत करते हैं। मगर आज मुझे पता चला कि तुम तिवारी बाबा का नाम लेकर सबको डराती थी। आज तक मेरे बारे में तुम्हारे बारे में मैं बात करती थी, लेकिन आज हमारे बारे में सारा शहर बात कर रहा है। बेटी, मैं तो समझती थी कि तुम मजाक कर रही हो, पर ये पता नहीं था कि तुम हम लोगों की जिंदगी मजाक बना दोगी। तुम्हारे बाबूजी के मरने के बाद मैं जीने के लिए मजबूर हो गई थी तुम्हारे लिए, पर अब तो लगता है कि मैं भी उन्हीं के साथ मर जाती तो अच्छा होता। हेलो, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों बुलाई हो मुझे? तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तिवारी बाबा के बारे में? तिवारी बाबा को प्यार में पागल करने वाली आरती, हॉट न्यूज, वो सलमान खान और तुम कैटरीना कैफ, अखबार में निकला है भाई। वो गुंडा ना? है। गलत बात, इंसान जिसे प्यार करता है उसे दिल में रखता है, गुंडा नहीं कहता है। उससे प्यार कौन करता है, वो कौन है, ये मुझे पता नहीं था। बिना जाने पूरे शहर को बोल दिया तुमने कि तुम उससे प्यार करती हो। क्या करती, यह सब लोग मुझे छेड़ते थे, डराने के लिए ऐसा कहना पड़ा। अब डराने के लिए या अपने आप को चमकाने के लिए, वो तो मुझे नहीं पता। बाकी तिवारी बाबा तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे? अब घुमा फिरा कर मुझ पे आ गए तुम। मैं कहीं नहीं आई, तुम ही मेरे दिल में आ गए हो। कैसा दिल है तुम्हारा, जिसको देखता है उससे प्यार करने लगता है? मेरा दिल सिर्फ एक ही आदमी से प्यार करता है, और वो तुम हो। कल तक तो कह रही थी कि तिवारी बाबा से प्यार करती हो, आज कह रही हो कि मुझसे प्यार करती हो। तुम पे विश्वास कैसे करूं मैं? आंखें बंद करो अपनी। कल तक तो आंख बंद ही तो की थी मैंने, और आज जब खुली है तो बंद करने को कह रही हो तुम। प्लीज तुम आंखें बंद तो करो। थोड़ा टाइम टेबल का ध्यान रखा करो। तिवारी बाबा, ये भूत कहाँ से आ गया? बुलाओ आरती को, जल्दी बुलाओ, जल्दी जल्दी। नमस्ते भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। ये कौन है रे? ये कौवा प्रिंसिपल है भैया, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल? ओह, वही जो फिनेल से बाथरूम की सफाई करता है, वही क्या? नहीं भैया बड़ा पोस्ट। बैठिए भाई साहब। क्या देख रहे हैं भाई साहब? क्या क्या ढूंढ रहे हैं, यही पूछ रहा था। अरे, इस दिल के गुलाब को कचनार बना के वो टुकड़े टुकड़े करके चली गई आरती, इनके दिल में बस गई है। ए बुड्ढे, क्या बकरा चूना चाट के? अरे दिल के बिल में तो जिराक्स कॉपी पड़ा है, ओरिजिनल तो यहाँ है भाई, उसी को देखने के वास्ते तो हम लोग आए हैं भाई। मालूम है, इसलिए तो आरती को बुलवाया है। क्या बात है सर? आपके लिए तिवारी बाबा आए हुए हैं। क्या बात है भैया, बात कीजिए, बात कीजिए ना भैया। क्या बात करूं रे, पहले तो मैं रिंग टोन की तरह बज रहा था, अब आरती को देख के वाइब्रेशन पे चला गया रे, अब क्या करें भैया। मक्खन का पहाड़ है भैया,
इज्जत का कचरा मत कीजिए, बात कीजिए ना। क्या बात करें। अरे फिनेल साहब, ये लीजिए आरती के लिए मिठाई। अरे इस मिठाई में शक्कर नहीं, इसमें तो मेरा प्यार मिला हुआ है, प्यार। जाके पूरे कॉलेज में बंटवा देना। हाँ भैया, प्यार की डीलिंग में अगर फीलिंग की कमी हुई ना, तो लव का किलिंग हो जाएगा। लव सब की बात कीजिए ना। ये बात है। ए फिनाइल, तुमसे लेकर वॉचमैन तक इस कॉलेज में सब कोई आरती को बहन मानेगा, नहीं तो तुम सबको काट कर रख दूंगा मैं। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, कॉलेज में कुत्ता से लेकर सब लोग आरती को सलाम करेंगे। ये कॉलेज हुजूर आपका ही तो है। ठीक है ठीक है। भैया जी, ये प्रिंसिपल बड़ा गधा है भाई। कहता है कॉलेज हुजूर का है, और वो देखिए वहाँ तो किसी और का नाम है। ए फिनाइल, इस कॉलेज का नाम क्या है रे? डैन बॉस्को। कौन किसको? डैन बॉस्को। अच्छा अच्छा, डॉन बॉस्को खाओ किसको। आज से इस कॉलेज का नाम बोल रहे श्री तिवारी बाबा आरती डिग्री कॉलेज। हाँ। सर, क्लास का टाइम हो रहा है। ए, क्लास का टाइम हो गया? अरे जाने को बोल। जाइए जाइए। भैया भैया, भाभी जा रही है, कुछ बोलिए ना। अरे रोक के कुछ बोलिए ना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे क्या बोलूं मैं? अरे दादा दादा दादा, जा 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 के कुछ बोलिए ना, जाइए। अरे आरती जी, ये तो पीछे पड़ गया। आरती, वो ये मेरा पहला प्यार है ना, इसलिए मैं सेकंड टाइम रिहर्सल करके आऊंगा। अब तुम जाओ। आरती, अब क्या हुआ? बोल दूं? आई लव यू। आओ गरम चाय तो फूंक फूंक के पी रहे हो, तिवारी बाबा का सामना कैसे करोगे बोलो? चाय तो पीऊंगा ही, चाहे जैसे पीऊं। अच्छा अच्छा, तिवारी बाबा से टक्कर लोगे क्या? ट्रिगर दबाने के बाद गोली रुकती नहीं, सीधा घुसती है। अरे वो इस सिटी का बहुत बड़ा गुंडा है। गुंडा हो या कोई और हो, गोली के सामने जो खड़ा होगा तो गोली सीधे पार होगी। तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। रिस्क? आरती के लिए तिवारी बाबा क्या, तिवारी के बाप का भी सामना करूंगा। वो कॉलेज में आकर टॉर्चर कर रहा है और तुम यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हो। चाय पियोगी? वो कब आएगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। कॉफी मंगवाऊं क्या? उसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कॉलेज में आकर मुझे मंगलसूत्र पहना देगा। एक काम करो, तुम लस्सी पी लो। टेंशन में दिमाग खराब हो रहा है और तुम कह रहे हो चाय पियो, कॉफी पियो, लस्सी पियो। अब बहुत हो गया, तुम मुझे कहीं ले चलो। अच्छा भाइयों, चलो। भैया आप नीचे बैठे हैं, इसीलिए हमारे नीचे भूकंप आ रहा है, ऊपर बैठिए ना। अरे नहीं रे, अरे आप यहाँ मेरी प्रेम कहानी लिखने के लिए आए हैं? आप तो हमारे गुरु महाराज हुए, मैं भला ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ? आप गुरु दक्षिणा में जो चाहे मांग लीजिए। बस घर जाने की परमिशन दे दीजिए। नहीं गुरुजी, जब तक मेरी प्रेम कहानी की समाप्ति नहीं हो जाती, ये समझिए आपका ही घर है। समझ गए? सुनो,
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखे हो ना, उससे भी अच्छी कहानी होनी चाहिए। मेरे भैया की प्रेम कहानी लिखो। नहीं लिखेंगे तो ये मार डालेगा। ठीक है ठीक है। भैया आपको उस लड़की से प्यार कैसे हो गया? भैया, ए भैया, भैया क्या हुआ, कहाँ खो गए भैया? ए छोटू, सपने में हमको आरती दिखाई दी रे। अच्छा, वो गाड़ी चला रही थी हाँ? और मैं कमर में हाथ डाल के बैठा था रे। भैया आपने तो सपने में देखा था, हमने तो हकीकत में देखा है। दूसरे की गाड़ी पर बैठ के वो जा रही थी। वाह 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 वाह, अब आया कहानी में नया मोड़, वेरी इंटरेस्ट। के पिल्ले, हमारी आरती दूसरे के साथ जा रही है और तुझे कहानी में नया मोड़ दिखाई दे रहा है। क्या बोलता है, चल क्या देखते है? चल मेरे साथ। भैया ये देखो भाभी वहां पे है। अच्छा ठीक है, चलता हूँ फिर आऊंगा। चलो। ए भैया, अरे ये देखो तो चिरकुट भाभी को लेकर जा रहा है वो, चूना चाट के। पकड़ को, बस खड़े खड़े क्या देख रहा, पकड़ को। चलो। क्या रे, हे हीरो, शहर में नया आए हो क्या? हाँ तो मुझे परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक बोला ना? हाँ, और अब तुम कौन हो ये मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। आरती की मदद की, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, ये क्या आरती, तुम्हारे एक इशारे पर ये मेरे सारे आदमी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तुम ये सब छोड़ के इस छोकरे के साथ? अरे आरती तो मेरी जान है, जिससे मेरी जिंदगी रोशन हो गई, वो आरती है मेरी। हे बच्चों, इस आरती की वजह से आज तुम बच गए, वरना तुम्हारे सर पर जूते मार मार के मिट्टी में मिला देता। क्या रे, कुछ समझा कि नहीं? चल भाग भाग। आरती से प्यार तो मैं करता हूँ, मगर आरती किससे प्यार करती है खुद ही पूछ लो। ठीक है, ए आरती इससे बोलो, आरती इससे बोलो कि मैं अजय से प्यार करती हूँ। नहीं, हट हट। ए भैया, हे छोटू, छोटू इसको बोल कि मेरे तीन महीने तक ये यहाँ से चले जाए, नहीं तो एक दो तीन। ए भैया, yeah.
भैया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाके पकड़ उसे। इतना सब होने के बाद तिवारी किसी को नहीं छोड़ेगा, हम सबको जरूर मारेगा। उसके आदमी सारे शहर में तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। भैया अब क्या किया जाए? एक घंटे बाद बाबा का ऑपरेशन शुरू होगा, ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। तब तक आरती और इसकी माँ को किसी गुप्त स्थान पर रखना होगा। तुम टेंशन मत लो, हम लोग सब देख लेंगे। भैया, ए भैया कुछ बोलो ना, क्यों चुप बैठे हो? तुम जब चुपचाप बैठे रहते हो ना तो हम लोगों को बड़ा डर लगता है। हाँ भैया, हमें डर लगता है, हमें बहुत डर लगता है भैया, हमें डर लगता है। कुछ बोलो ना भैया। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, तुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है तुझे। डर लग रहा है तुम लोगों को। एक चांस और देता हूँ, वो यहाँ होना चाहिए, समझ गए? ए दरोगा, वो कौन है रे? वो अनाथ है, उसका नाम है अजय। क्या रे, इतनी बड़ी इंक्वायरी करने के बाद यही पता लगाया है तुमने कि उसका नाम अजय है? अरे जाके कहीं नाक रगड़ के मर क्यों नहीं जाता है? एक घंटे के अंदर अंदर वो दोनों यहां मेरे सामने होना चाहिए। एक घंटा, वरना तुम लोगों की खोपड़ी का कचूमर बना दूंगा। जाओ। अजय बेटा। हाँ बाबा। बेटा, ऑपरेशन होने के बाद जब मेरी आंख खुलेगी तो मैं सबसे पहले अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। मेरे सामने रहोगे ना बेटा? हाँ बाबा। हाँ। मेरा बेटा। यहाँ पे तिवारी बाबा के आदमी, बाबा का ऑपरेशन भी चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो देखो, अंदर इसलिए नहीं मारा कि मरीजों को परेशानी हो जाती है। चलो आ जाओ।
आ जाओ सब। क्या हुआ है? बाबा नाम के आदमी का ऑपरेशन हुआ है। हाँ। उनके साथ एक लड़का था, उसने ही इन सबको मारा है। ए डॉक्टर, वो बाबा कहाँ बैठे? अंदर हैं। अंदर? हाँ। भैया, ए भैया, वो लड़का अंदर ही है। हाँ, आइए, 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 आइए। अरे, ऑपरेशन के बाद बाबा को यहीं सुलाया था, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गया? इस बेड पे था तो कहाँ गया? ये बेड खा गया? झूठ बोलता है रे, झूठ बोलता है। हे ऑफिसर, पूरे शहर की पुलिस को ये कह दो कि वो पब्लिक का काम ना करके सिर्फ उन दोनों को पकड़ने का काम मेरे लिए करना है, समझ गए ना? ठीक है साहब। अगर वो लड़का हाथ नहीं आया तो तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, ये जान ले। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उससे बचने के लिए इससे सेफ जगह और कोई नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को मैं यहाँ ले आया हूँ। नहीं अजय, हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये शहर छोड़ देना चाहिए। अगर उन लोगों को पता चला तो वो लोग हमें मार देंगे। क्या हुआ अजय, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ भी नहीं। अजय, ऑपरेशन होने के बाद तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? सब ठीक है ना बेटा? हाँ बाबा, सब ठीक है बाबा। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। क्या क्या हुआ है बेटी? बाबा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या क्या? अरे ये तो खुशी की बात है, टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि कोई और इनसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। कौन कौन है वो? तिवारी बाबा। क्या? तिवारी बाबा, छोड़ दो, जाने दो मुझे। मेरी आंख की ज्योति को, मेरी आंख की ज्योति को 15 साल से दूर कर दिया ये कुत्ता तिवारी। मैं उसे मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तिवारी को मार दूंगा, तुम्हारे बाप को मारकर तुम्हें अनाथ करने वाला यही है तिवारी बाबा। क्या बात कर रहे बाबा? हाँ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पिता कौन थे? कौन थे बाबा? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राणा प्रताप सिंह। सर वो सब फाइल शहर के छोटे मोटे गुंडों की है, और ये सब केस एक ही आदमी का है। कौन है वो? तिवारी बाबा सर, तिवारी बाबा शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, उसके ऊपर होम मिनिस्ट्री का हाथ है। अन्याय करने वाला मिनिस्टर हो चाहे गुंडा, उसे पुलिस का पावर पता होना चाहिए। मिनिस्टर का पावर तो 5 साल तक होता है, हमारा पावर रिटायरमेंट होने तक रहता है। वॉचमैन सोता है तो घर लूट जाता है,
पुलिस वाला सोता है तो पूरा देश लूट जाता है। इस पिस्तौल में गोली क्यों है मालूम है? गुंडों की छाती में छेद करने के लिए। ये मुक्का है मुक्का, गुंडे लोगों का जबड़ा तोड़ने के लिए। ये डंडा है, चोर और गुंडों की हड्डी तोड़ने के लिए। जहां शेर रहता है वहां गीदड़ और कुत्ते नहीं रहते, तो जहां पुलिस रहती है वहां चोर और डाकू नहीं होने चाहिए। जो लोग यहां पुलिस यूनिफॉर्म में खड़े हैं उसको मैं पावर दे रहा हूं, उनका इनकाउंटर करो चाहे जेल में डालो मुझे नहीं पता। कैंसर पकड़ने से छूट सकता है एक बार, लेकिन पुलिस पकड़ेगी तो नहीं छोड़ेगी। यह बात एक एक गुंडे को पता होनी चाहिए। जो भी यहां आएगा उसको मैं देख लूंगा। सर, गुंडों बदमाशों के सामने सैल्यूट मार मार के सिर शर्म से झुक गया है, लेकिन आज आपको सैल्यूट मार के बहुत गर्व हो रहा है। जय हिंद सर। वेरी गुड। हेलो, होम मिनिस्टर बोल रहे हैं। प्रणाम सर। एसपी है क्या? है सर। फोन दो। जी सर, होम मिनिस्टर। गुड मॉर्निंग सर। ड्यूटी ज्वाइन कर ली है ना? कर लिया सर। आज शाम 6 बजे दिल्ली जा रहा हूँ। आपकी सिक्योरिटी के लिए मैं आ रहा हूँ सर। तुम यहाँ पर नहीं आना, इसीलिए फोन किया है। क्यों सर? रात को तिवारी बाबा से जाकर मिल लो। यस सर, आज रात में तिवारी बाबा से जरूर मिलूंगा। तुम अपनी पावर जो सबको दिखाते हो वो तिवारी बाबा के सामने मत दिखाना, बहुत खतरनाक आदमी है वो। यस सर, तिवारी बाबा जो बोलेंगे मैं वही करूंगा सर। ओके सर, ओके सर। ए, आज रात को तिवारी बाबा से मिलने जाना है, सब लोग तैयार रहना। ईमानदारी की बात करता है कहीं का। प्रणाम बाबा। हाँ, खुश रहो खुश रहो। ए भैया, भैया ये नया दरोगा आया हुआ है। हाँ। प्रणाम। बैठो बैठो। हाँ, आ, आ, आ। तुम्हारा बहुत नाम सुना है एसपी। जहाँ जहाँ जाते हो तुम गुंडों को पानी पिला देते हो। इसमें थूकिए ना। यहाँ भी वही करने का इरादा है क्या? क्या बात कर रहे हैं भैया जी। वो क्या है ना, जहाँ चूहा होता है वहाँ बिल्ली बहुत पावर में होती है। साफ साले चूहे, आप तो कुत्ता है। जी जी, मैं तो बिल्ली हूँ। आपके सामने मेरा क्या पावर? तुम बिल्ली नहीं, पुलिस की भेष में कुत्ता हो। कुत्ता है दारू पियोगे? नहीं भैया, आपके सामने अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ो ना यार, छोटो। हाँ, इसको दारू पिलाओ। अच्छा ये बताओ एसपी, मेरे बारे में कुछ सुना है कि नहीं? क्या भैया जी, जब से शहर में आया हूँ आपके बारे में ही तो सुन रहा हूँ। यहाँ पब्लिक क्या, पुलिस का भी पेशाब निकल जाता है। तू बहुत बड़ा, तुझे तो फांसी पर लटका देना चाहिए। ए, ए, जा, ये साला तो घर का ही कुत्ता है। जा मस्ती मारो तुम सब लोग। ए छोटू, ए छोटू, ये तो साला लुढ़क गया। यही तूने हमको कोई उल्लू समझ रखा है। कुत्ता, मैं तुझे कुत्ता समझता हूं। क्या बोला रे? यही तेरे चेहरे का रंग बदल दूंगा। रंग तो मैं तेरे चेहरे का बदल दूंगा। अब अगर ऊंची आवाज निकाली गोली से भेजे में छेद कर दूंगा। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए।
चल कुत्ता चल चल। थोड़ी सी गर्मी से तू इतना बौखला गया और तू जिसने कितनों को अनाथ कर दिया, अरे तुझे क्या पता उनके दिल में कितनी गर्मी होती है। देख आज मैं तुझे दिखाता हूं। पुलिस को कुत्ता बोलता है? पुलिस को कुत्ता बोलता है? पुलिस को कुत्ता बोलता है? बोल बोल पुलिस को कुत्ता बोल। हेलो, क्यों रे एसपी, तूने तिवारी बाबा को अरेस्ट किया है? पूरे शहर में खलबली मची हुई है। नहीं सर, मैं तिवारी बाबा को कैसे अरेस्ट कर सकता हूँ भला? वो तो सरोजनी हॉस्पिटल में भर्ती है सर। हॉस्पिटल में? यस सर, कल वो बाथरूम में नहा रहे थे तो पानी में बिजली का करंट लग गया, जिसकी वजह से इनका पूरा शरीर जल गया है। मैंने फौरन उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मैं तिवारी बाबा के पास ही हूँ, बात करनी है तो आप बात कर लीजिए। एक मिनट सर। होम मिनिस्टर साहब लाइन पे हैं, बात कीजिए। सर फिलहाल ये बात करने के लायक नहीं है। अच्छा अच्छा, तुम उन्हीं के पास रहो, अच्छे से देखभाल करो, मैं कल आके तिवारी बाबा से मिलता हूँ। यस सर। सर, तिवारी बाबा हॉस्पिटल में है, बाहर इतनी शांति क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तिवारी बाबा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ये बात किसी को नहीं पता है। बाहर कोई लफड़ा ना हो जाए इसलिए आपको गुप्त रूप से बुलाया हूँ। ओके ओके, ठीक है, आइए सर। प्रणाम सर। तिवारी 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 तिवारी, क्या हो गया? ओके ओके, समझ गए। एसपी ने मुझे बताया कि ये थे इसलिए तुम बच गए, नहीं तो क्या होता? डॉक्टर, परेशान होने की कोई बात नहीं है, बिजली के शॉर्ट पानी में लगने से चमड़ी जल गई है, जोर से चिल्लाने से इनकी आवाज चली गई है, दो दिन आराम करेंगे ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाओगे, घबराओ मत तिवारी, ठीक है आराम करो। मैंने एसपी को कह दिया है तुम्हारा खूब ख्याल रखेगा। डॉक्टर, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, दो दिन बाद फिर आऊंगा। डॉक्टर देखो सर। जी सर, चलिए सर। ए, चुप 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 डॉक्टर। ए, चुप। ए, अरे अरे सुनो तो, क्या कर रहे हो? अरे एक 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 तुम, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अरे अच्छा अच्छा, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? क्या रे एक कबूतर गुटर को खेल रहा है? चुप, हट, चुप,
पकड़ मुझे। तेरा नाम क्या है बेटा? छोटे प्रताप सिंह। तुमसे बदबू आ रही है, क्या नहाए नहीं हो? चलो आओ, तुम्हें मैं नहलाता हूँ आज। यहाँ पर खड़े हो जाओ। हाँ, इसे यहाँ रख दो। हाँ, इसे खोल दो। हाँ, ऐसा बात। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दे मेरे बच्चे को। छोड़ देता हूँ तेरे बच्चे को, लेकिन तू मरेगा, मरेगा तू, मरेगा, मरेगा तू, मरेगा, मरेगा तू, मरेगा। लारी, मजा आ गया। बाप तो मर गया, अब बेटे को भी जला कर राख दूंगा। अरे अरे रोको उसे, अरे जा पकड़ो उसे। ये क्या, स्टोर रूम से ये कैसी आवाज आ रही है? क्यों रे, इस समय स्टोर रूम में क्या कर रहा है? बैट लेने के लिए आया था। इस समय बैट किस लिए? सुबह प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, बक्से में मेरा जूता है। अरे तुझे कैसे पता किस बक्से में है? मैं ले लूंगा। अरे क्या हो गया? हाई वोल्टेज के चलते ट्यूबलाइट फूट गई पापा। ओके ओके चलो। जी पापा। भैया लीजिए। प्रणाम बाबा। वो कहीं मिला क्या? नहीं मिला बाबा, उसकी फोटो पेपर में छप गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शहर के सभी स्टेशनों पर चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। वो इस शहर को छोड़कर नहीं भाग सकता। तो पकड़ो, जाओ जाकर उसे किसी भी हाल में पकड़ो, वरना अगर मैं जाग गया तो प्रलय आ जाएगा। तिवारी, कुत्ते को शेर के पीछे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तिवारी, उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। ए बेवकूफ, ज्यादा बकबक ना कर, पहले ये बता तू है किस बिल में। तेरे घर के बहुत नजदीक, तेरे घर के बगल में।
तेरे घर के पीछे, तेरे घर के सामने। ठीक से देख ले तिवारी, तेरे घर के अंदर। अरे तू हमें क्या मारेगा तिवारी? 24 घंटे के अंदर तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा कि तेरे मौत का नजारा देखने वाला आदमी हमेशा आदमी बन के रहेगा, कभी तिवारी बनने की कोशिश नहीं करेगा। hey! तू बचेगा नहीं। hey, दरोगा, वो कुत्ता अजय का बच्चा यही कहीं छुपा है, हमारे आसपास ही कहीं पे वो छुप के बैठा है, तो ढूंढवाओ, जाओ कहीं से भी ढूंढ के लाओ अभी। hey, चल रहे, आओ सब। मुझे मारने की धमकी देता है वो। वो 2 कौड़ी का मुझे मारने की धमकी देता है। हाँ, वो बचेगा नहीं। अब गुस्से को थूक कर क्या करना है ये सोचिए। वो जिससे प्यार करता है आरती उसके पास ही है। आरती को लेकर ये शहर छोड़ दे तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको मारने के लिए उसे क्या जरूरत पड़ी है? समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला है। असल में फोन कहाँ से आया था? बात तो ये ठीक ही कह रहा है। अरे एक आई ड्रॉप दीजिए। रुको रुको रुको, गाड़ी रुको। आरती की माँ, ये क्या, ये मेरे घर में क्यों जा रही है? अब कैसा लग रहा है भैया? ठीक है बहन, लेकिन मन बहुत बेचैन है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बाबा। हाँ बेटी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? तिवारी बाबा के आदमी पूरे शहर में खोज रहे हैं, अगर उसे पता चल गया तो आप लोगों के साथ में मेरी जान भी चली जाएगी। भलाई सी में है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, जल्दी जल्दी चलिए। हाँ भाई, कोई है? शाबाश दरोगा, शाबाश, अच्छी ड्यूटी निभा रहे हो। शिकार मिल गया तो उसे उड़ाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। बाबा बाबा, ये लोग यहाँ पर कैसे आए? मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, तुम्हारे बेटे ने ही इन लोगों को यहाँ रखा हुआ है। मेरा बेटा? हाँ, अब ये मुझे कैसे पता चला? पूछो पूछो, अब मुझे कैसे पता चला? कैसे? अरे पुलिस के घर में अगर कोई छुपा रहे तो किसी को कोई शक ही नहीं हो सकता, मगर एक गलती हो गई। तुम्हारे बेटे के फोन से अजय फोन करके मुझे धमकी दे दिया, बस मैं यहाँ आ गया। अब तू, तुम्हारा बेटा, वो अजय, ये सब लोग गए थोक के भाव से। बाबा, वो मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे कुछ नहीं पता। वो अजय का दोस्त है, इसका मुझे पता नहीं था। उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। आरती डार्लिंग, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने ही सबको बताया। अब अगर दूसरे के पास जाओगी तो उसकी समाधि बना के उसके ऊपर तुम्हें बिठा के मैं तुम्हारे साथ वही शादी मनाऊंगा। चुप कर, चुप कर, चुप कर। तू कौन है रे? तुम्हारी चिता में आग लगाने वाला अजय को पालने वाला, मैं उसका चाचा हूँ। तू उसका चाचा? ओ
याद आया सब इंस्पेक्टर बाबा। हाँ, याददाश्त तुम्हारी अच्छी है। ये अजय कौन है? राणा प्रताप सिंह का इकलौता बेटा। अभी तक वो जिंदा है? तिवारी, तू तो मौत का खेल खेलता है। अब तक तुम्हारी मौत का तांडव देखने के लिए जिंदा हूं मैं, और तुम्हें मौत देगा मेरा बेटा अजय। आरती को उसकी माँ को और बाबा को लेकर कल तुम यहीं मिलना। ठीक है। प्लान के मुताबिक काम खत्म होने के बाद हम सब लोग यहीं मिलेंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। संजय। हाँ। सावधानी से जाना। तुम चिंता मत करो। बाबा, आरती, बाबा। आओ आओ शेर खान की औलाद, इधर आओ। तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है रे? हैं? तुमको पता है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। बता दे बेटा, नहीं तो जान से मार देंगे। हाँ, बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हाँ, बता दे। नहीं, हाँ, बता भी नहीं। हाँ, बता दे। अरे, अरे, भागो उसे, भागने दे, भागो। भागो, भागो उसे। हो गया, उधर चलो। अजय, संजय, संजय, आरती, बाबा, तिवारी, तिवारी, अजय, संजय, संजय, तिवारी, तेरे आदमी ने मेरे दोस्त को मार दिया है। दरोगा का बेटा मर गया? तिवारी के मुंह में हाथ डाला, ये तो होना ही था। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू जिंदा नहीं बचेगा। तू अब मेरी सुन, कल 12 बजे तुम्हारा दिया हुआ टाइम पूरा हो जाएगा। अगर तुम मिस कर गए तो 12:01 पर दुर्गा कॉलोनी में हम आरती के गले में मंगलसूत्र पहना देंगे। तुझे जो करना है वो कर ले। जय माता भवानी। ए बुढ़े, तेरी तो
कहां पे है वो फुंदरू? तुम्हारा बेटा आ जाए, 24 घंटे के अंदर मुझे मारने को बोला है वो। टाइम देख, 5 मिनट, 5 ही मिनट बाकी है बे। कहां है आखिर वो? हा? टाइम दिया है तो टाइम पर आएगा। अच्छा, घड़ी देखते रहो। हाँ, मेरा बेटा आएगा तो तुम्हारा पूरा वक्त शुरू हो जाएगा। अरे बुड़बक, ये तलवार देख रहा है, आज इसकी गर्दन काट के यही दुर्गा माँ को उसकी बलि दी जाएगी। बंदूक की सारी गोलियां तेरी छाती में उतरेंगी, जान तो जाएगी पर चीख सुनाई नहीं देगी। हे दुल्हनिया, कहाँ है रे तेरा फुंदरू? हमारे डर से कहीं छुप गया होगा, लगता है डरपोक है। डरपोक से नहीं, तुम्हारा पाला मर्द से पड़ा है। वो यहाँ आएगा, तुम्हें मारेगा और तुम्हारी लाश पर चढ़कर मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा। तुम्हारे गले में अजय मंगलसूत्र डालेगा। ये देख इन सबको, इनके हाथों में मौत का सामान है। अब इन सबको मार के तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालने का सपना देख रहा है वो। हाँ। अजय आएगा, हमारा अजय जरूर आएगा, तुझे मारेगा, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, और 2 मिनट, और 2 मिनट मैं करूंगा। अब मैं इंतजार करूंगा उसका, आने दो उसे, आने दो, आने दो, 2 मिनट और इंतजार करता हूं मैं, आने दो। अच्छा ओ मेरे राजा, जन्नत की सैर कराऊंगा मैं। 2 मिनट खत्म हो गया, वो नहीं आया। हे पंडित जी, हे पंडित, अरे पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर जल्दी से। सर्वांग मैं पहनाने जा रहा हूं। राधे कृष्ण नेत्र गौरी नारायण नमो कृष्ण भगवान विष्णु मंगलम मंगलासन हरि हृदय लग्न देव तारा बलचंद्र बलंद देव विद्या बलंद देव वर्जंत देव लक्ष्मी नहीं आऊंगा। कैसे सोच लिया? तेरी मौत का कांटा समय पर है, टाइम देख। अरे टाइम तू देख, तू देख टाइम। ए ए पुलिस वाले, भूंडे साले को। अबे दरोगा मुंह क्या देख रहा है तू? मार दो साले को। अबे खड़ा क्यों है? मार दे इसको। क्यों मारूं? अरे क्यों मारूं रे? अरे शहर का बड़ा गुंडा तू, अरे पुलिस वाले तुझे सलाम करते हैं, अरे तेरे डर से लोग तेरे डर से पेशाब करते हैं, और अजय आज तुझे पेशाब करवाएगा। अरे तेरे आदमी खत्म खत्म रे। अरे रुक, चला चाट के। तू अकेला बचा हुआ है मालूम? अरे दरोगा तुझे तो मैं। अबे चुप। अरे अजय चाहिए, कुत्ते की जैसे चिल्ला रहा था, अभी अजय तेरे सामने है, जो खाड़ना उखाड़। है तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे चुप। अबे मर रे कुत्ते मर। आतड़ी नीचे आई ना, मेरे बेटे को मारा था ना, यदि दम है बड़ा मर्द बनता है तो अजय को मार और आरती से शादी करके दिखा। अरे बड़ा गुंडा बनता है ना। अब तो तू एकदम बेचारा लग रहा है, बेचारा कुत्ते नामर। तुम सब कुत्ते, तुम सबको मार डालूंगा मैं। ए अजय, आज तो तू क्या, कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Yeah!
शाबाश अजय शाबाश, इस नीच कुत्ते कमीने को मारकर अपने स्टेट और पुलिस डिपार्टमेंट की मान मर्यादा को बचाया। खुशी मुझे ही नहीं, हम सबकी है। सर, इस पापी के अंत में सिर्फ मेरा हाथ नहीं, आप सबका भी सहयोग है, और इस काम का सारा श्रेय मेरे बाबा को जाता है, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सारा नहीं बेटा नहीं, ये सब दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, जिसकी कृपा से पापी और उसके पाप का अंत हो गया। बस बस, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, अपने अजय की मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए। बेटा, मांगल्यम सर्व देवाना मित्र वर्ण निर्मिता तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलन चंद्र बलन तदेव विद्या बलन देव बलन तदेव लक्ष्मी पते त्रिंगयुग्रम स्मरामि। वर वधु एक दूसरे को माला पहनाइए। खुश रहो।